सत्यपाल मलिक जी का नाम सुना है अश्वनी शाह जी? जी सुना है ना। जी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि जानवरों की मौत पर दिल्ली से शोक संदेश आ जाता है, मगर किसानों की मौत पर कोई शोक संदेश नहीं आता। आंदोलन की बात करते हुए वो कहते हैं कि देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हुए। अमूमन कोई हादसा होता है तो दिल्ली के नेता का शोक संदेश जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान कोई प्रदर्शनकारियों की मौत पर संसद में भी प्रस्ताव नहीं दिया गया। ये सत्यपाल मलिक जी की बातों के भाव में सरकार निशाने पर क्यों है? आप तो कह रहे हैं अपना विकास कर रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी कुछ और कह रहे हैं। अश्वनी शाही जी, देखिए सत्यपाल मलिक जी, देखिए लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक पार्टी है, उनका बोलने का अपना हक है। राज्यपाल के पद पर रहते हुए अगर वो बोल रहे हैं तो मेरी भाषा में मैं कहूंगा कि पहले वो इस्तीफा दे फिर कुछ बोले जाकर, अच्छा पहले बोलने का इस्तीफा दे। अधिकार है। अच्छा आप तो कह रहे लोकतांत्रिक है, फिर आप कह रहे इस्तीफा दे फिर बोले। मैंने कहा ना कि लोकतांत्रिक देश है कोई बोल सकता है, मतलब गवर्नर को लेकिन अधिकार नहीं है फिलहाल सरकार उनको को, मेरी नजर में गवर्नर को इस्तीफा अधिकार देकर नहीं है जाकर उनको सरकार बोले। को लेकर कुछ बोलने का, आप ये कह रहे हैं। वो एक संवैधानिक पद पर है, उनको नहीं अच्छा बोलना चाहिए। संवैधानिक पद अब पर क्यों बैठा बोल हुआ रहे हैं ये व्यक्ति वो नहीं बोल जाने, सकता। इन इन चीजों पर बोलना है तो आंदोलन में शामिल हो जाके ना, अच्छा आंदोलन में इस्तीफा दे शामिल हो पहले, जाए, दोनों सत्यपाल जी आंदोलन में दोनों काम शामिल हो जाए। करेंगे, अच्छा मेरा अगला दोनों सवाल, काम करेंगे। मेरा अगला सवाल, मेरा अगला जी सवाल ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बात कही, आपने कहा कि वो संवैधानिक पद पर है। एक और टिप्पणी आई यार, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी के मामले पर चौथी सुनवाई की। कोर्ट ने जी क्या कहा मैं बता देता हूं। जी कोर्ट ने कहा कि जो ये जांच चल रही है उन्हें रत्ती भर भी इस पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। आप समझ रहे हैं अश्वनी शाही, सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार की जी जांच पर भरोसा नहीं है। सवाल जी क्यों उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट, अब फिर बताइए। चावला साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब हैं वो भी एक मनुष्य हैं, ओहो और जो आज उन्होंने कहा पूरी बात सुनिएगा, जी, बीच में कोई ना नहीं बोलेगा। नहीं कोई नहीं बोलेगा। जब उन्होंने एक बात कहा कि न्यायिक समिति का गठन करके दो जजों के नाम भी सुझाए उन्होंने, उनको क्या ध्यान नहीं आया कि एक हाई कोर्ट के पूर्व जज की उन पीड़ित परिवारों से जिनके यहां लोग मरे थे, उनके परिवारों ने जब न्यायिक समिति की मांग की, प्रदीप जज कुमार की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी, तो आज जज साहब को यह निर्णय देने की क्या जरूरत थी? क्या वो उस जज के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं अच्छा जो उनके चलिए, हाई न्यायिक कोर्ट का व्यवस्था पर रिटायर्ड भी जज आपको था? भरोसा नहीं। एक छोटा सा सवाल का मुझे फिर जवाब दीजिए। तो नहीं, आप मैं एक तो सेकेंड, अपनी एक बात कह सेकेंड, रहा हूं। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट, तिलक यही साहब, कोर्ट, अगर अगर कोर्ट राम मंदिर और सीए को लेकर अपना अपना कोई भी स्टेटमेंट और कमेंट करता है और जजमेंट जारी करता है, तब आप ताली और थाली बजाते हैं? बजाते हैं कि नहीं मैंने क्या बजाते? कहा और आप आज इसको कोर्ट को, सुनिए, कोर्ट की मैंने कहा टिप्पणी पर इसको, आपको दिक्कत हो मेरी गई बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं चावला साहब। कि फिर लखीमपुर के गुनेगारों को बचा कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? कोई नहीं बचा रहा है, कोई नहीं बचेगा। जो गुनाहगार थे वो गुनाहगार जेल के पीछे हैं, और जानते हैं, आने वाले दिनों में उसी का मैं न्यायालय बताऊं को उनका शाही फैसला जी, सुनाना है, शाही जी मैं कोई नहीं बताता हूं। बचा अच्छा रहा है। चलिए, मैं अभी अभी जवाब मिल जाएगा, अभी जवाब मिल जाएगा। कठेरिया अब साहब ध्यान से, गुनाहगार आप शर्मा तय जी ध्यान से। करेंगे या विपक्ष तय करेगा, ये पहले तय कर नहीं नहीं लीजिए। नहीं नहीं हम कौन तय करने वाले होते हैं शाही जी। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि जरा उत्तर प्रदेश की जनता को यह भी बताइए कि अब तक इस मामले पर कितने फोन जब्त हुए, जानते हैं आप कितने फोन जब्त हुए? फोन अब कितने जब्त हुए हैं? ये फोन आज सुप्रीम कोर्ट का आपने एक पढ़ लिया कि एक फोन क्यों जब्त हुआ, तो उसको बता रहे हैं। एक फोन जब्त हुआ, अब पुलिस दस प्रशासन जो आरोपी, जांच कर रहे दस हैं, सुनो, आरोपी रुकिए सुनिए हिरासत में है, सुनिए फोन सुनिए एक सुनिए जब्त सुनिए हुआ, दस आरोपी हिरासत में, सुनिए फोन एक जब्त सुनिए। हुआ, हुआ कि नहीं बताइए। जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो उसे बताना क्या है? हाँ ये तो आपने पुलिस आपने अधिकारी फोन जिसने जब्त नहीं नहीं किया किए, है। आपने फोन, एक सेकंड एक सेकंड, दीपक शंकर तिलक एक, जी आप आरएसएस के चेह रहे हैं, आप बीजेपी के नहीं है ना? नहीं, एक सेकंड, बीजेपी जवाब दे मैं देगी। नहीं आप तिलक क्यों जी, बैक सुन फायरिंग कर रहे हैं? लीजिए सुन लीजिए, मैं वो आप नहीं क्यों कर रहा, कवरिंग फायरिंग में आ गए? आप नहीं, मैं कवरिंग फायरिंग नहीं कर रहा, आप सुनिए उस बात। एक सेकंड ना, तिलक जी आपको क्यों कष्ट हो रहा है? अगर वो जानकारी देना चाहते हैं, अब एक भारत तरह से तो की आप भाजपा आरएसएस को ऐसी मिला देते हैं। एजेंसी अगर होती है, आरएसएस आप का कोई देखिए व्यक्ति बोलने चाहता है तो उसको शाही रोकना है, जी क्यों रोक रहा है ओके, भाई? मैं जान इसमें रहा हूं, आपका क्यों क्या मेरे से हित क्यों है? नाराज हो रहे रविशंकर हो? मुझे एक बात बताइए, तहरीर में नाम था गृह राज्य मंत्री का, तहरीर में
एक महीने हो गए, एक महीना पांच दिन हो गए, एक महीना भी नहीं, एक महीना पांच दिन हो गए, हो गए ना सर, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई, क्यों? तिलक साहब इसको पूरा फिर सुनिएगा, मैं कहना चाहता हूं तहरीर में उनके ऊपर धारा क्या लगी थी, तो इसलिए जांच नहीं होगी। धारा बताइए तहरीर में क्या लगी, पूछताछ नहीं होगी, जांच अधिकारियों को क्या संदेश दे रही? जब जांच अधिकारी ये समझता है कि वो देश के माननीय गृह मंत्री हैं, वो कहीं भागने वाले नहीं, भगोड़े नहीं है, अच्छा उन जब कहा जाएगा वो हाजिर होंगे, पूछताछ के लिए उपलब्ध है, एक एक महीना पांच दिन का पूछताछ नहीं होगी, कोर्ट पूछ रहा है ये, नहीं आप तय करेंगे, मैं क्यों तय करूंगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए नहीं होगी, आप कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं ना, कोर्ट पूछ रहा है, तो करना चाहिए, चुनाव आया तो कैराना याद आया आप लोगों को, शाही जी, तिलक जी चुनाव अभी दूर है, चुनाव अभी पांच छह महीने है, अभी चुनाव में जो है आप में दिन भर रहते ही नहीं है। मूड में रहते हैं सर, आप कह रहे हैं कि चुनाव दूर है, विकास के मूड में रहते हैं तिलक जी, चुनावी मूड में नहीं, विकास के मूड में, 24 करोड़ जनता के हित के कामों के लिए योगी जी लगे रहते हैं। एक छोटा सा सवाल, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति हम नहीं कर रहे, हम तो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ था, तो मुझे एक बार बताइए कि ये अब्बा जान कौन बोलता है? अब्बा जान मैंने अभी कहा, मेरे पर भाई जान, पे मैंने अब्बा कहा, जान मान हनुमान की जाति कौन बताता है? हनुमान की जाति, जाति बताने की बात ही नहीं है, अच्छा टोपी लगाकर जो टोपी लगाकर और अपने मुख्यमंत्री के घर में अफ्तारी की पार्टी कर रहे हैं और हिंदुओं को मरवा रहे हैं, तो अब्बा जान ना कहा जाए उनको, तो क्या कहा जाए? अच्छा, तो इसीलिए अब्बा जान, भाई जान, हनुमान की जाति बता रहे हैं आप।